वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्किल राइटिंग में नोटिस राइटिंग सीखने वाले हैं। 4 मार्क्स का एक चैप्टर है। वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को गारंटी दे देता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपके 4 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे। ओके, तो नोटिस राइटिंग है क्या, पूरी चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखिये, ये शॉर्ट राइटिंग टॉपिक में क्या क्या आता है, आपके पोस्टर राइटिंग आता है, मैसेज राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, डायरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग। इसमें देखिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट, डायरी और नोटिस तीनों पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। दी शॉर्ट राइटिंग टॉपिक्स में भी आस्क्ड इन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एसएससी बोर्ड एग्जाम्स, डायरी, पोस्टर एंड नोटिस विल बी आस्क्ड इन इंटर्न टॉपिक्स, मीन्स दे हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दिस टॉपिक। देखिए, डायरी, पोस्टर और नोटिस में से आपको किसी एक को देखना है। मेनी दे हैव टू अटेम्प्ट एनी ऑफ दिस टॉपिक्स, बट दिस इज नॉट द केस विद स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 11th एंड 12th। ये 10th के लिए पैटर्न है। 11th और 12th में तो आपको जो भी दिया जाएगा वो लिखना ही होता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि कुछ भी स्किप मत कीजिए, हर टॉपिक सीखिए, नथिंग इज टफ। यू मस्ट हैव बीन ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक इन योर 9th क्लास एंड स्टूडेंट्स स्टडिंग 11th एंड 12th क्लासेस आर वेरी वेल फेमिलियर विथ इट। तो ये जो दोस्तों है, इसमें हम नोटिस राइटिंग की चर्चा करने वाले हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, तो देखिए इसका मार्किंग सिस्टम यह है कि जो फॉर्मेट है उसका 1 मार्क मिलेगा, हेडिंग और एंडिंग का 1 मार्क्स होगा, कंटेंट के 2 मार्क्स होंगे, बराबर। इसके फीचर्स क्या है, तो देखिए, इट शुड बी शॉर्ट, अट्रैक्टिव एंड टू द पॉइंट। तो आपकी जो नोटिस है टू दी पॉइंट होनी चाहिए, एकदम प्रिसाइज, जो चीजें जरूरी हैं सभी आ जानी चाहिए और जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये ऐसा होना चाहिए कि एक ग्लैंस देखने पर आपको आइडिया आ जाए कि इसमें क्या क्या आने वाला। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस। लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए, किस ऑडियंस को टारगेट करके आपने लिखा वो। अब देखिए, इसका ये फॉर्मेट है, ये याद रख लीजिए, आप बॉक्स बनाइए, ये बॉक्स में बनाना और उसको पेंसिल से आपको बॉक्स बना देना है। सबसे टॉप पे आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये बोल्ड लिखना बहुत सके तो बोल्ड बनाइए और ये सेंटर में लिखिए। उसके बाद नीचे नोटिस, अगर कोई इंस्टीट्यूशन हो तो अमुक बार एड्रेस भी लिख देते हैं, डेट या हेडिंग ऑफ द नोटिस, यानी आपका जो मेन मैसेज है वो हेडिंग से ख्याल आ जाना चाहिए। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस या बाय ऑर्गेनाइजेशन, इश्यूइंग अथॉरिटी, उसने इश्यू की है ये नोटिस, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आ जानी चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये बॉक्स बना लीजिए तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो टाइप्स ऑफ नोटिस क्या क्या होती है, देखिए, स्कूल कॉलेज की नोटिस होती है। स्कूल कॉलेज की नोटिस में कोई सेलिब्रेशन का है, एनुअल डे है, कोई इवेंट रखा गया है, कोई कंपटीशन है, टूर है, पिकनिक है, ये सब चीजें उसमें बताई जाती है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया हो। सोसाइटी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की नोटिस होती है, जब सोसाइटी की कमिटी जो है वो नोटिस इश्यू करती है किसी, कोई इवेंट रखना, उनको कोई रूल नए पास करने हो, उसके लिए जनरल इंफॉर्मेशन के शेयर करने के लिए भी नोटिस रखते हैं, और दूसरी चीजें इसके अंतर्गत आती है। आपको ये खास प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे स्कूल में अबाउट ए टूर, अबाउट एनुअल डे, स्पोर्ट डे, अबाउट ब्लड डोनेशन केयर, अबाउट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, अबाउट COVID-19, ये इस वर्ष के लिए खास IMP है, इसको दिमाग में रखिएगा। देखिए, सपोज यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, draft a notice on behalf of the principal to inform all the students about blood donation camp। तो कोई भी नोटिस लिखने से पहले आपको ये दिमाग में सोचना है कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें आने चाहिए, कि आपका जो टॉपिक है उसमें क्या क्या पॉइंट्स उसमें कंपल्सरी होने चाहिए, और जो इवेंट रखा है वो कहाँ है, कब है, उसमें स्टूडेंट्स को, जैसे आप स्टूडेंट को बता रहे तो उनका रोल क्या है, ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए। वेन, वेयर, टाइम, वेन्यू, ये सब चीजें आपको खास स्पेसिफाई करनी होती है। और जैसे मान लो कोई इंफॉर्मेशन को इश्यू करने वाली कोई हाई मैन अथॉरिटी है, उसका भी उल्लेख आपको करना है। तो देखिए, ये हमारी नोटिस है,
सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल, देखिए सेंटर में लिखा है मैंने, बोल्ड है, नरोड़ा अहमदाबाद, यहां पे नोटिस, ये डेट हमने लिखी है, यहां हेडिंग है आपकी ब्लड डोनेशन कैंप, आपकी जो हेडिंग है बहुत कुछ की जाती है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल डियर स्टूडेंट्स दैट दिस इज दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग अवर फाउंडेशन डे इन अ यूनिक वे। तो ये पहली लाइन आप हर उसमें लिख सकते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल अवर डियर स्टूडेंट्स दैट वी आर गोइंग टू अरेंज साइंस फेयर इन अवर स्कूल। इस तरह से जो भी सब्जेक्ट हो ये लाइन में आप लिख सकते हैं। स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप विद द हेल्प ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से हम ब्लड डोनेशन कैंप बनाने आयोजन करने वाले। सो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू डोनेट ब्लड एंड हेल्प अस इन नोबल कोच। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि नोटिस जो स्टूडेंट्स है यो आप लोग 18 से कम उम्र के तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं कह सकते। तो जो ब्लड कौन डोनेट करेगा? स्टाफ मेंबर्स। तो स्टूडेंट का रोल क्या है? तो वी ऑल्सो रिक्वेस्ट द डियर स्टूडेंट्स टू कन्विंस एंड ब्रिंग देयर पेरेंट्स नेबर्स रिलेटिव्स टू डोनेट ब्लड। स्टूडेंट्स का रोल ये है कि वो अपने पेरेंट्स से, नेबर से, रिलेटिव से, उनको ब्लड डोनेट करने के लिए कन्विंस करके स्कूल में लिखे आएंगे। तो डेट एंड वेन्यू ये सब आपको बता देना है। देखिए 20 अगस्त टाइम भी आपको बताना है और कहाँ पे रखा है? स्कूल कैंपस। ओके, ये हमने बता दिया। इसको आप स्पेसिफिक भी कर करके लिख सकते हैं कि डेट, टाइम, वेन्यू, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, नो इश्यू। और इसके बाद देखिए, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट स्कूल ऑफिस बिटवीन 8 AM टू 12:30 PM, ये आपको लिख देना है। अब ये इश्यू कौन कर रहा है? ये इश्यू करेंगे प्रिंसिपल। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राइट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट न्यू गाइडलाइंस टू बी फॉलोड ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन। देखिए ये जो बुरी पेंडेमिक है, हम सब लोग को इसका एक्सपीरियंस है, तो क्या क्या गाइडलाइंस है आपके दिमाग में है, तो उसको आप दिमाग में अरेंज करके उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए। तो ABC हाई स्कूल नोटिस, ये डेट लिखा है, सब्जेक्ट क्या है? न्यू गाइडलाइंस ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर, टूडे द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द कोरोना क्राइसिस। अब पूरी दुनिया कोरोना क्राइसिस से होकर गुजर रही। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर कम्युनिटी एट स्कूल, फॉलोइंग गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स आस्क्ड टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड फॉलो बिलो मेंशन गाइडलाइंस। देखिए क्या करना है कि ये जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, टीचर है, ये इन गाइडलाइंस को फॉलो करे, इनको समझे। गाइडलाइंस क्या है? वियरिंग मास्क इज कंपल्सरी, मास्क पहनना कंपल्सरी। यहाँ पे एडिस है, ब्रिंग 2 pairs ऑफ मास्क एवरीडे, हर रोज 2 pair लाइए। ब्रिंग सैनिटाइजर एंड अवॉइड यूजिंग कॉमन वाटर टैप्स, इंस्टेड ब्रिंग वाटर बोटल फ्रॉम होम। देखिए सैनिटाइजर का यूज करना है, वाटर टैप का यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे ज्यादा जर्म्स फैलते हैं, तो आप बोटल लेके आइए। अवॉइड क्राउड, क्राउड को अवॉइड करना है। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 feet। डोंट शेयर योर लंच बुक्स, कीप ऑन सैनिटाइजिंग योर हैंड्स। डोंट कम टू स्कूल इफ यू फील कोल्ड एंड फीवर। अगर आपको कोल्ड या फीवर की कुछ भी फील होता है, देन यू डोंट नीड टू कम टू स्कूल। बाय ऑर्डर प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 3। सपोज यू आर आत्माराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव, मुंबई। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल सोसाइटी मेंबर्स अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का शॉर्टेज है, उसके बारे में लिखना है। तो कब शॉर्टेज है, कितने टाइम तक शॉर्टेज रहेगी, उस शॉर्टेज का रीजन क्या है, और जो आपके जो रेसिडेंट हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेनी, वो सब चीजें आपको दिमाग में सोचते हुए इसको लिखना है। तो देखिए हमारा एड्रेस है, सब्जेक्ट क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए ये बोल्ड में लिखा तो क्या होगा कि जो आपका जो भी रेसिडेंट्स है आपके, वो फटाक से इसको पढ़ेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी दैट वी आर अंडरगोइंग क्वार्टरली क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड वाटर टैंक्स।
तो रीजन बता दिया गया क्या हो रहा है भाई, क्वार्टरली क्लीनिंग हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है अंडरग्राउंड ऑफ वाटर ओवरहेड वाटर टैंक्स का, सो देयर विल बी शॉर्टेज एंड इंटरप्शन इन वाटर सप्लाई ऑन द फॉलोइंग डेज। डेज आपको बता देना, टाइम भी बता देना, 27th and 28th May 2020, 9 AM to 10:30 PM। तो डेट और टाइम आपको स्पेसिफिकली बताना है, रीजन भी बता दिया, रीजन भी आपको बताना है। अब आपको यह भी बताना कि जो आपके रेसिडेंट्स उनको क्या प्रिकॉशन लेना। सो ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप नोट ऑफ दैट एंड टू स्टोर एडिक्वेट वाटर ऑन द एबो मेंशन डेज बाय ऑर्डर। आत्माराम भिड़े यहां नाम दिया था इसलिए हम नाम लिख दिया सेक्रेट। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया ये चीज। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अ नोटिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट डे के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे आपको ये इमेजिन करना है कि डे टू डे क्या होगा, कौन कौन से इवेंट्स आएंगे, कौन कौन से इसमें गेम्स आएंगे वो आपको बताना है। तो मेरी गोल्ड इंग्लिश स्कूल ओडा अहमदाबाद नोटिस, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म आवर डियर स्टूडेंट्स दैट लाइक एवरी ईयर दिस ईयर ऑल्सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स डे। द डिटेल्स आर एज अंडर, डिटेल्स आपने बता दी, डेट एंड वेन्यू 21st January 2020, वर्कशॉप ग्राउंड नियर स्कूल, टाइम है 9 AM to 2 PM, टाइम आपको खास बताना है और ये वेन्यूज में खास बताना है कौन से ग्राउंड में आपने आयोजन किया है। इवेंट्स क्या है, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एटलीस्ट इन वन इवेंट, हर स्टूडेंट्स को कम से कम एक इवेंट में तो पार्टिसिपेट करना है। अब यहाँ पे ये चीज का ख्याल रखिए कि ये जो इवेंट है इसको चलाने वाला कोई पर्टिकुलर टीचर होगा। अब स्पोर्ट डे तो कौन चलाएगा इसको, स्पोर्ट टीचर, तो उनका भी नाम का उल्लेख कर दीजिए। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मिस्टर जेपी पटेल स्पोर्ट टीचर। ओके, मैं आपको मैक्सिमम एग्जांपल दे रहा हूं, यानी आपके फोर मार्क्स आपको घर पे लेके जाने हैं आपको। नाउ ले, अब एक स्कूल टूर के बारे में हमको लिखना है, अमृत हाई स्कूल अहमदाबाद नोटिस 21st December 2020, स्कूल टूर टू राजस्थान। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म ऑल अवर स्टूडेंट्स दैट स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू राजस्थान फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स, द डिटेल्स ऑफ द टूर आर एज अंडर। देखिए प्लेसेस, देखिए मैंने थोड़ा डिफरेंट ढंग से लिखा है, इस ढंग से लिखिए बहुत ही अट्रैक्टिव लिखेगा लगेगा, टीचर आपको 4 के बदले 5 मार्क्स दे देंगे, तुम भी क्या याद करोगे जाओ। तो प्लेसेस क्या है, उदयपुर एंड अजमेर, डिपार्चर 9th January 8:30 PM फ्रॉम स्कूल वाया बस, अराइवल 12th January 10 PM एट स्कूल। तो कब आप जा रहे हो, कब वापस आ रहे हो, यहाँ पे प्लेसेस तो हमने बता दिए हैं और इसके अलावा भी आज जो उदयपुर अजमेर के जो भी फेमस प्लेस है वो भी आप दिखा सकते हो। फीस कितनी होगी, 2500 पर स्टूडेंट। इंटरेस्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सबमिट देयर नेम्स एंड फीस टू देयर क्लास टीचर बिफोर 5th January 2020। अब यहाँ पे आपको ये चीज खास मेंशन करना है कि कौन सी लास्ट डेट है फीस को भरने की। ओके, अब देखिए प्रैक्टिस के टॉपिक दिए मैंने, एनुअल डे का लिखना है आपको, फेयरवेल फंक्शन का ये आप लोग लिख लीजिए तो आपको काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ये टॉपिक पूरा कर रहा हूँ, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।